जिसमें कि G20 का जो समिट का था वो एक हाई लेवल के ऊपर भी कमेंट चाहता था, लेकिन मैं इस पॉइंट पर इसी तरफ क्या होगा, क्या ये माने कि जिस तरह से भारत इकोनॉमिकली उन कंट्रीज की मदद करना चाह रहा है जिनको कर्ज के पहले चाइना ने कहीं ना कहीं दबा दिया है, उसके एग्जाम्पल आप पाकिस्तान है, श्रीलंका, ऐसे कई कंट्रीज है। G20 है, G20 में जो एक मुद्दा जो कि अमेरिका का भी खास मुद्दा है, IMF को बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया जाए, उनका दायरा है उसको आसान बनाया जाए, तो इससे क्या होगा कि आज की डेट है खासतौर पर अफ्रीकन देशों को या कई सारे एशियन देशों को जिनकी भी हालत खराब है, उनको चीन उन प्रोजेक्ट के लिए G20 की प्रोसेस के दौरान जितनी भी G20 की बैठकें हुई हैं उसके अंदर इस मिशन लाइफ और इसके जो सूत्र वाक्य हैं, यानी किस तरीके से पर्यावरण मित्र तरीके मित्रता के साथ उनको कटाने हैं, उनसे भी जब हमारी बात हुई और उसके पहले की भी G20 की बैठकों के अंदर जब जब इस बारे में चर्चा हुई, तो तमाम जो वैश्विक नेता हैं और साथ ही जो डिप्लोमैट्स हैं उन्होंने भी माना कम है और तो आज की बैठक साथ ही कोशिश होगी कि जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया क्योंकि यहाँ है वो IDB वो आए रहना चाहते हैं और साथ ही ये भी प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका ने ठीक रहा, चाइना भी थोड़ा तोड़ दिया, आते हैं दोनों सुपर पावर, चाइना की US की यामिंग्स बनाए होंगे उसकी वजह से बहुत सारी चैलेंजेस है, तो बहुत बड़ा रोल इसमें चाइना भी कोशिश कर अमेरिकी खेमे में ना जाए, इस पर चीन बहुत ज्यादा कोशिश में है कि कहीं ना कहीं, और हालांकि जो चीन के काम है इस तरीके की बात भारत से आरती किकू जी भी कह रही है कि चीन तो ये बिल्कुल कोशिश हो रही है चीन की तरफ से, चाहे वो वैसे नहीं किया गया है एक बार में है कि अगर कुछ योर फाइनल फेस एक्सेलेंसी